हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन किचन गार्डनिंग। गाइस, आज मैं आपको ये देखिए अपने टेरेस पे लगे ये आम के पौधों की दिखा रही हूँ, अपडेट दे रही हूँ कि किस तरह से एक छोटे से गमले में आप अच्छा खासा बड़ा मैंगो ट्री लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मेरा एक गमला है, ये देखिए, जो मेरे घर में ही था तो मैंने उस पर ही अपने घर पे टेरेस पे लगाया है। वो देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें आप सब्ज़ी का, आपके जो किचन वेस्ट में जो आपका कुदरती तौर पे रहता है, जैसे सब्ज़ी, अंडा, छिलका, चाय पत्ती, उसका कंपोस्ट डीकम्पोस्ट कर दीजिए उसको और आप इसमें डालिए और आप उसमें रिज़ल्ट देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये देखिए, और उसी तरह से मैं अपने हर पौधों का, मेरा हर पौधा बहुत हेल्दी रहता है दोस्तों, हर चीज़ मेरा अच्छा रहता है। इसके सिर्फ रीज़न ये है कि मैं इसको हर मिट्टी को हर वो चीज़ देती हूँ जो एक पौधा को ग्रोथ होने में उसमें ज़रूरी है। तो मुझे बाहर से लाने की कुछ ज़ीरो कॉस्ट, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपका एक छत पे अच्छा खासा हेल्दी पौधा आपको मिल सकता है, आप यकीन कीजिए। ये देखिए, मैंने कुछ ये मेरे किचन वेस्ट में जो अंडा का छिलका, इस तरह से अपने इसको, इसमें बहुत हेवी कैल्शियम रहता है दोस्तों। तो जिस तरह से आप अपने बच्चों को पालते हैं तो उसको हर वो न्यूट्रिशन देते हैं जो उसके ग्रोथ में अच्छी होती है, बढ़ता है उसका ग्रोथ, उसको एनर्जी मिलती है, बस उसी तरह से प्लांट है दोस्तों, बस उसी तरह से प्लांट है। हमारे घर में ये सब ऐसे ही हम लोग इसको फेंक देते हैं, तो ये आप अपने प्लांट में डालिए और इसका फिर रिज़ल्ट देखिए। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, ये अंडा का छिलका मैं अपने पौधों में डाल दी हूँ। इसमें कैल्शियम, ज़बरदस्त कैल्शियम होता है जो मिट्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और पौधों को ग्रोथ करने में बहुत मदद मिलता है। इसी तरह से चाय पत्ती हुआ, उसमें नाइट्रोजन ज़बरदस्त होता है, तो उससे आपका पौधों में बहुत ये होता है, फ़ायदा होता है। और इस तरह से देखिए, एक चमची हल्दी इसमें आधे बाल्टी पानी में मैंने डाला, ये इसमें नाइट्रोजन ज़बरदस्त होता है और इससे आप अगर अपने मिट्टी में डालेंगे तो आपको बैक्टीरिया से भी बचाएगा और नाइट्रोजन ज़बरदस्त मिलेगा जो आपके पौधों को बढ़ने में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, ये इसको फेंकने की बजाय हम इसको स्टोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों, ज़ीरो कॉस्ट में आप अपने खूबसूरत अपने टेरेस को बना सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। और अगर आप स्पेस रहा तो इससे आपको रिज़ल्ट भी, फ्रूट भी मिलेगा। तो ये देखिए, इतने छोटे इसमें, ये देखिए, ये देखिए मेरा, ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बहुत बड़ा गमला नहीं है दोस्तों, लेकिन रिज़ल्ट देखिए। और एक बात, जब इसमें आप मिट्टी लगाते हैं, जड़ बढ़ने लगता है, तो अभी मैंने इसमें वो कर लिया, इसको गुड़ाई कीजिए और जो एक्स्ट्रा रूट रहता है उसको साइड साइड से काट करके निकाल दीजिए। जब वो बड़ा रूट फिर बड़ा होगा तो उससे आपका पत्ता भी निकलेगा, फिर आपका प्लांट भी बड़ा होगा। तो आपको डरना नहीं है कि रूट अगर कट गया हुआ, एक्स्ट्रा रूट रहता है, मेन रूट रहता है यहाँ जड़ में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सामने का रूट कट गया वो एक्स्ट्रा रूट रहता है, तो ये तो ज़मीन है नहीं। हम लोग अपने देखिए टेरेस पे इसको लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा रूट को आपको काटना ज़रूरी है। जब आप गुड़ाई करेंगे तो 80% रूट एक्स्ट्रा वाला कट ही जाता है, तो गुड़ाई ज़रूरी है, गुड़ाई कीजिए और अपने किचन वेस्ट में जो है आपके पास उसको फेंकने के बजाय अपने प्लांट में डालिए और आप अपना प्रोग्रेस देखिए कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये देखिए मेरा, ये देखिए नींबू का पौधा भी, इसमें भी मैं वही ट्रिक आजमाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, ये ड्रम में मैंने कितने बड़ा ये प्लांट है मेरा अमरूद का, ये देखिए।
तो बस मुझे प्लांटिंग का शौक है, तो मैं इस तरह से अपने पौधों में थोड़ा ध्यान देती हूँ 10-15 मिनट। और ये देखिए मेरे छत पे कितना बड़ा ट्री, ये देखिए। तो इस तरह का टिप्स पाने के लिए, अगर आपको और मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगा कि मेरा आपसे इससे कुछ फ़ायदा है आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए एक अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूं। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।